बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ी ही ज़बरदस्त मॉर्निंग हुई है यहाँ पर और आज हुई है बारिश। तो जनाब, आज आप लोगों के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ में बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल। तो झटपट और क्विकली आपको सिखाऊँगी बड़ी ही आसान रेसिपी के साथ। तो लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले तो मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया है एक अदद प्याज, एक टमाटर और 5-6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। अदरक मैं इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ और एक मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक ग्लास पानी। पानी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है, इतना ही हमें पानी रिक्वायर्ड है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और साथ में मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और इसके बाद इसको प्रेशर लगा देंगे, यानी वेट लगा देंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको हमने वेट लगा देना है और उसके बाद का प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। तो जी जनाब, 5 मिनट के बाद मैंने वेट खोल दिया है, प्रेशर खोल दिया है। तो देखिए कितना ही सॉफ्ट हो गया है मसाला। अब हम इस मसाले की करेंगे भुनाई। उसके लिए सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और सारा मसाला जब तक वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मैश हो जाएगा, तब तक इसे भूनते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जिसे अच्छी तरह से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। और अब इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। चिकन को ऑयल में फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और साथ ही मैंने डाल दिया है ज़ीरा। और बाकी मसाले मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो बहुत ही इजीली मैं खाने ज़्यादा ऐसी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती हूँ जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो। सब कुछ ये चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद होती हैं, आप लोग आराम से मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो चिकन को आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है, इतना ज़्यादा भूनना है कि इसका जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और चिकन को की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो, अगर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होना चाहिए। 2 घूंट यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसलिए ताकि मसाला नहीं जले और चिकन भी हो जाए सॉफ्ट। अब हम इसे मीडियम हीट पे कवर करके पकाएंगे। चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा और ये हो जाएगा सॉफ्ट। तो जैसे ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, इसने पानी भी रिलीज़ कर दिया है और ऑयल भी आ गया है ऊपर, तो आप लोगों ने इसका पानी एक्स्ट्रा ड्राई कर लेना है। और अब आपने इस पॉइंट पे इसमें पानी ऐड करना है जितनी ग्रेवी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है क्योंकि मैंने इसके साथ राइस बनाने हैं। और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा, इसमें आपने काली मिर्च का पाउडर और साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। अब जनाब, आप लोगों ने इसे बस 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक के ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम रेडी कर लेते हैं ज़ीरे वाले चावल। ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल में एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, उसे कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई। और यकीन करें, खाना बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों को बस ट्रिक्स आनी चाहिए और आप खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, जैसे ही प्याज ने कलर चेंज कर लिया था। तो जनाब, साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया, यानी कि हस्बे ज़ायका नमक। जितने आप राइस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपने नमक डालना है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि एक ज़बरदस्त साइज का फ्लेवर जो है ना वो निकल के आए। और थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और ज़ीरे की जो खुशबू है ना वो सारे मसाले में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगी।
हम चाहते हैं कि चावलों में भी इसका फ्लेवर आए, इसलिए ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। अब जनाब चावलों के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है, और ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जितने चावल हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने 3 कप चावल लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तकरीबन 4.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब भीगे हुए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, और इसे हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे और साथ में इसका पानी ड्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं, तो ज़्यादा आपने चम्मच भी नहीं चलाना। तो देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और अब हम इस पॉइंट पे इसे दम लगा देंगे। तो जनाब एक तरफ हमारा ग्रेवी वाला सालन भी तैयार हो गया है, आप देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त निकली है। आप चाहें तो इसे रोगनी नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने इसके साथ बनाए हैं राइस, क्योंकि सबका दिल था राइस खाने का, तो आई थॉट कि मैं जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो कैसा लग रहा है आपको ग्रेवी वाला चिकन, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है अगर आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा लगता है तो भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। एंड आई नो मुझे जितने भी फॉलोवर्स मिले हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जनाब राइस भी हमारे रेडी हैं, उन्हें भी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, और कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर खुशबू आ रही थी, आई कैंट टेल यू। तो बहुत ही मज़े के ज़ीरे वाले चावल भी हमारे तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही आसान और झटपट रेसिपीज़ और बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी मेरी रेसिपी ट्राई की है तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने उसको मुझे पिक्स जो है वो DM कर देनी है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।